चलो भाई शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे किस किस तरह के अपने को क्वेश्चन आते हैं, जनरली हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। दो वैक्टर्स को कैसे सप्रेट करते हैं, उस पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आज पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है? तो रेडी, तैयार? चलो रेडी स्टडी गो। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर दो वैक्टर्स हैं, इफ टू वैक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वैक्टर्स दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों, इक्वल, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल, और उनका जो सब्ट्रैक्शन है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स। बात समझ में आई? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वैक्टर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किया, याद है वहां पे अपने क्या किया था, ऐड किया था, तो रिजल्टेंट भी सेम ही आ रहा था। कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे। वही बात यहां पूछ रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वैक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट भी क्या आ जाए हमारा, इक्वल। तो पूछा है कि बताओ, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। मतलब कुल मिला की बात यह है कि मैं आपसे कहूं कि भैया दो में से दो घटाया तो कितना आया दो। तो बताओ ऐसा किस एंगल पर किया गया होगा? आपको पता है एडिशन में दो में दो जोड़ा दो आया, ये कब हुआ था? 120 डिग्री पे। तो ऐसा कब होगा ये पता करना है, है ना? देखो सीखें, चलो। तो वेक्टर की दुनिया में 2+2 = 0 भी हो सकता है, 2+2 = 2 भी हो सकता है, और 2-2 = भी 2 हो सकता है। तो इसमें बेटा पागलपनी जैसी कोई बात नहीं है, ये सच बात है, ऐसा होता है, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता हूं बच्चों, ऐसा होता है। सोचो, यही तो फर्क है, यही तो डेफिनेशन थी कि भाई जिन एक क्वांटिटीज को हम बिना डायरेक्शन के डील ही नहीं कर सकते वही वेक्टर होती हैं। आज जिनको बिना डायरेक्शन के डील कर लिया था वो स्केलर थी। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे कलाकारियाँ देखने को हमें मिलती हैं। चलो बच्चों तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? दोनों वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल। तो मान लो दो वैक्टर कौन है, ए, दूसरा वैक्टर कौन है, बी, और दोनों वैक्टर के मैग्नीट्यूड क्या, इक्वल। किसके इक्वल मान लिया? ए के। और इनका मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन भी क्या है, इक्वल। तो बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा। तो बेटा कसम भद्रकाली की आपको याद होनी चाहिए कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2a sin थीटा बाई टू। ओ, रिजल्टेंट भी ए, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी ए, पता क्या करना है, थीटा, कितनी इक्वेशन, एक, कितने अननोन, एक, बस हो जाओ शुरू। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, ये तो फट से सॉल्व हो गया। बस ए से ए, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1/2। साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री, यानी कि ये थीटा बाई टू कितना होगा, 30 डिग्री। तो थीटा बाई टू इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री पे अगर दो वेक्टर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी उतना ही आएगा। हाँ, जैसे देखो ये 4 और ये 4,
अगर इनके बीच में थीटा 60 है, तो अगर मैं कहूं कि बेटा इसमें से इस वेक्टर को हटाओ तो कितना आंसर आएगा? चार। कितना आएगा? चार। देखो है ना मजेदार, बोलो। अच्छा फटाफट से बेटा स्क्रीन पॉज करो और नोट कर डालो उसको, स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना आसान क्वेश्चन, है ना कितना आसान। हाँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि बेटा दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड देखा, दो वेक्टर हैं ए और बी उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड देखा, फिर उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड देखा, और क्या देखा कि दोनों कितने आए इक्वल, यानी कि इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ऐसा कब होगा? तो वेक्टर्स में जब भी बात आती है कब, कब मतलब किस एंगल पर होगा, सिंपल ये क्वेश्चन है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो आप तो इसको लिख सकते हो, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। समझ गए? चलो जैसा उसने बोला वैसा कर दो। एडिशन का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो मतलब पता ही नहीं चलता कि कब सॉल्व होने लग जाता है अपने आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये इनका एडिशन का मैग्नीट्यूड हो गया। भाई मैं हमने कुछ नहीं किया, हमने तो भैया जो पढ़ रखा था हमने बता दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसमें हमारी क्या गलती है। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर तो मेरे यार देखो क्या मिलेगा, 2ab cos theta a square plus b square minus 2ab cos theta, ये लड़ मरे आपस में, 2ab cos theta वो उधर से इधर आ गया तो उसने साइन चेंज कर लिया, 2ab cos theta equals to कितना, 0, कितने ab cos theta, 4ab cos theta मिला के कितने, 0, तो कॉस थीटा ही चाहिए ना, तो बाकी सबको भेज दो नीचे, सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब आती है, 90 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब आती है, 90 डिग्री। अभी आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है बोर्ड वाले, ओए ओए दो वेक्टर्स ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड एट 90 डिग्री प्रूव करो, कर दो। अरे कर दोगे ना यार, इसमें भी ऐसे सोचो पड़ गया ना क्या हो गया, देखा लल्लू छाप क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीन पॉज करो नोट कर डालो इसमें क्या है। चलो बच्चों एक बात पूछूं, सही सही बताओगे अपने मन से, कसम खाओ, विद्या कसम खाओ, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, दिल से बताना बेटा अपना, है ना, सच सच बताना सोच के। आज सच बोल देना बेटा, आपको याद है बच्चों अपन क्या करते थे, क्या आपको बचपन के ये दिन याद हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, याद है? याद होंगे, मारूं खींच के अगर नहीं याद है तो। ये क्या था, कम्यूटेटिव लॉ, क्या था ये, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, लिख लो इस बात को, वेक्टर एडिशन फॉलोज, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना, क्या मैं ये लिख सकता हूं,
अगर मैंने ये लिखा तो हमें दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सोचना पड़ेगा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सोचो, स्क्रीन पॉज करके सोचो, आराम से बैठ के सोचो। चलो पहले हम बाबा के पास चलते हैं, वो बताएंगे इसका आंसर। ए ए ए ओ ए, ये बन गया पैरेललोग्राम, है ना, ये बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं। यह बढ़िया सुंदर सा पैरेललोग्राम यहाँ बनाते हैं, पूरा बोर्ड अपना है, एक ही क्वेश्चन करेंगे पूरे बोर्ड पे, ऐसी क्या बात है बालकों। एलो एलो छोटा रह गया, ये लो। ओ अब जैसा बन गया वैसा बना लो, अब ज़्यादा तीन पांच मत करो, मान लो ये पैरेललोग्राम है और क्या। हाँ ए माइनस बी, देखो ये ए और ये माइनस बी, ठीक है, ए ये माइनस बी। अब ए माइनस बी आप क्या करोगे बोलो, एक तो ए माइनस बी हमें देखना है और एक हमें क्या देखना है बेटा, बी माइनस ए। ठीक, तो मैं दो पैरेललोग्राम बनाता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। ए माइनस बी, जैसे मान लो शुरुआत में वेक्टर क्या था, ये ऐसे था बी, ठीक है। अब मुझे ए में से बी को घटाना है, तो मैंने क्या किया, बी को उल्टा कर दिया, तो जब मैं बी को उल्टा करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो माइनस बी। अब इनको जोड़ दूं तो पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी। आया नहीं आया, आया कि नहीं आया, ओपीएससी बात है, आ गया। अच्छा अब यही डायग्राम है, अब मैं उस चीज़ को इसमें ना करके दोबारा से एक नए डायग्राम में वही चीज़ कर रहा हूँ, उसी डायग्राम में बी माइनस ए फाइंड कर रहा हूँ मैं, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ बी माइनस ए, ठीक है। चलो ये बी हो गया, ठीक, और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब मुझे बी माइनस ए करना है, तो याद करो बी माइनस ए का मतलब क्या था, बी प्लस माइनस ए, मतलब ए वेक्टर को उल्टा कर दो और बी में जोड़ दो। तो ये ए वेक्टर था, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ये माइनस ए हो गया, ये बी हो गया। तो जब बी में माइनस ए ऐड करूंगा पहले वेक्टर की टेल से, पहला वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर माइनस ए, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो एरो जाएगा वो कहलाएगा बी माइनस ए। अब ये एक ही पैरेललोग्राम है, तो आप देखो इसमें आप साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए माइनस बी न्यू, ए बी माइनस ए न्यू, मतलब यही यही है। देखो अगर ये बी हो और ये माइनस ए हो तो देखो ये तो हो जाएगा बी माइनस ए और ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि इस तरफ एरो तो बी माइनस ए, इस तरफ एरो तो ए माइनस बी। क्या फर्क है दोनों में, लंबाई तो सेम ही है, लंबाई सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन। शाबाश, ये बच्चा अच्छा है, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए के डायरेक्शन अपोजिट है। हा वा 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 वा। तो सर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए। हाँ, कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, इसके लिए क्या लिख दिया इसको, माइनस बी माइनस ए। आई बात समझे बेटा, हम ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए नहीं लिख सकते, हम ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। और इक्वल टू लिखने का मतलब, दो वेक्टर्स को अगर हम इक्वल्स टू में लिखते हैं तो इनका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर आपको उसको मन नहीं मान रहा लिखना ही है तो माइनस लगा दो, जिससे कि आप ये बात बता दो कि भैया मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से मैंने
माइनस साइन लगा दिया। तो क्या सर ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्विवेलेंट नहीं होता? नहीं होता। सर इसका मतलब ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। हाँ बच्चों, अब नहीं करता तो नहीं करता, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अपनी भाषा में सारी बातें लिखो जो समझ में आए और नोट कर लो जो भी स्क्रीन पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। ये लो, रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बातें की जा रही है, मतलब यूनिट वेक्टर्स का नाम लेके बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर। जानते हो यूनिट वेक्टर्स का मतलब? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ठीक, तो कह रहा है कि जब इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को ऐड किया तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला 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 √3। बात को ध्यान से समझना, दो यूनिट वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला √3, यानी कि दो यूनिट वेक्टर्स को पता नहीं किस एंगल पे जोड़ा कि उनका जो रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट की लेंथ आई वो आई √3, है ना। मतलब एक और एक को जोड़ के कितना मिला √3। अब कह रहा है अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू कितनी आती। ओ हो, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, पॉज कर लो स्क्रीन और सोचो, फिर मैं बताता हूं। चलो, अच्छा क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्ट, एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना है √3। अच्छा, इक्वल यूनिट वेक्टर हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है टू ए साइन थीटा बाई टू। कितना रिजल्टेंट बोल रहा है √3। टू, ए की वैल्यू कितनी दोनों वेक्टर्स में से किसी का मैग्नीट्यूड, 1 साइन थीटा बाई टू, √3/2 साइन थीटा बाई टू। साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे आती है याद करो। हाँ, 60 डिग्री पे। कब आती है? 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री। क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है? गलत है। अक्सर हमसे ऐसी ही गलतियां हो जाती हैं फॉर्मूला अप्लाई करने में। ये एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, जब भी हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के साथ डील करते हैं और कहीं भी बीच में क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर एडिशन का, तो हम खट से जो हमारे दिमाग में उस समय जो पिक्चर चल रही होती है रिजल्टेंट 2a sin थीटा बाई 2 लिख देते हैं, क्योंकि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का डिफरेंस क्या होता है, 2a sin थीटा बाई 2। तो जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ते पढ़ते अगर बीच में कहीं भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आ जाता है तो हमारा रिफ्लेक्स ये होता है। तो इस बात का बेटा ध्यान रखना, ये हम गलती ना करें। ठीक है, चलो ध्यान रखना, ये छोटी गलती हमेशा होती है बेटा, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये कि हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो बीच में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का एडिशन आ जाता है तो हमारा रिफ्लेक्स होता है कि हम वापस से क्या रखते हैं बेटा, 2a sin थीटा बाई 2 रख देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन बातों पे आपको बहुत खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दोबारा शुरू करते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो यूनिट वैक्टर्स का
इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट रूट थ्री। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2। यहां आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्स में ये गलती कि कब कॉस लगाना है कब साइन लगाना है, क्योंकि आपके पास दोनों चीजें हैं, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको बच्चों ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं सिल्ली मिस्टेक, जो भविष्य में जाके सिल्ला बन जाती है बेटा आपकी जिंदगी के लिए। फिर कहते हैं सर मैं तो बहुत चुप, सर छोटी सी गलती हो गई सर सर सर, ऐसे करते हैं बच्चे, फिर लगता है एक दूर है पट ऐसे, अब नहीं करोगे ना गलती, नहीं अब नहीं करेंगे सर बिल्कुल। चलो तो रिजल्टेंट कितना, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के सम का r इज इक्वल टू 2a cos θ/2, मैग्नीट्यूड कितना है 1, रिजल्टेंट कितना है रूट थ्री, रख दो वैल्यू रूट थ्री 2 1 cos θ/2, रूट थ्री 2 cos θ/2। कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू रूट थ्री 2 होती है बोलो, 30 डिग्री। तो θ/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। तो सर इससे हमें क्या फायदा हुआ, तो देखो ये फायदा हुआ, ये तो गिवन है, आपको क्या चाहिए, आपको इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का सम चाहिए, तो इक्वल डिफरेंस चाहिए। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का डिफरेंस होता है 2a sin θ/2, ध्यान रखना अब यहाँ पे साइन आएगा। रिजल्टेंट कितना पता नहीं, कैलकुलेट करना है 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स कितना, सर यूनिट वेक्टर है 1, हाँ थीटे की वैल्यू 60, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है बच्चों, फटाफट जो स्क्रीन पे है नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक वेक्टर दिया 3i cap + 4j cap, दूसरा वेक्टर दिया 4i cap + 3j cap, और आपसे पूछा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस बी। छोटी छोटी बातें हैं, तो आप याद करो बेटा 8-10 लेक्चर पीछे जाओगे तो आपको याद आएगा कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या, वेक्टर a माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ए माइनस बी क्या करेंगे, देखो सिंपल, ए माइनस बी 3i cap + 4j cap - 4i cap - 3j cap अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, किसका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो देखो तो आपका यूनिट वेक्टर आ गया, आपका यूनिट वेक्टर आ गया 3i cap में से 4i cap गया -i cap, 4j cap में से 3j cap गया +j cap, यही तो बचा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ j कैप का स्क्वायर। याद है ना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो ये आ गया -i cap + j cap अपॉन -1 का स्क्वायर + 1 + 1 का स्क्वायर + 1 1 + 1 2 2 का रूट। आंसर नोट कर लो फटाफट। चलो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, कुमर कुमर मेरे जिया आवे बहे रूद की धार, लाल मेरे रोवत हो गो के भूखो सोवत हो गो। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बात बताओ बच्चों, सच सच बताना है ना, टाइम लेना सोचने के लिए है। देखो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, है बताओ इसमें से कौन सी आए वो जो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गया यार मैं, कौन सी दो बातें सेम है, चारों बातें सेम है, तीनों बातें सेम है, मतलब कौन कौन सेम है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सर ए बी सी डी सबका एक ही मतलब है, ऑल आर सेम। दूसरा ऑप्शन है सर ए बी सी का मतलब तो सेम है और डी डिफरेंट है। तीसरा सर ए और सी सेम है और बी और डी डिफरेंट है। सर सी और डी सेम है, ए और बी डिफरेंट है, सोचो इस बात को जरा, जरा दिमाग लगाओ ये चीज क्या है, करो फटाफट सोचो, ऐसे करके रख, यूं करके सोचना, ऐसे करके सोचो। चलो सबके मतलब समझते हैं एक बार, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया और उन दोनों का ये रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स ए एंड बी का। मान लो ये कोई एक वेक्टर ए रहा होगा, इसकी लंबाई रही होगी ए, ये वेक्टर बी रहा होगा कोई, इसकी लंबाई रही होगी बी, तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सच बोल रहा हूँ बेटा? दूसरी चीज, ये तो इनका रिजल्टेंट हो गया, यानी कि रिजल्टेंट क्या बताएगा, इसकी लंबाई इस वाले वेक्टर की और डायरेक्शन, ठीक है। दूसरे केस में देखो आप, सेकंड वाले केस में ये क्या बता रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बोल रहा है जो ये रिजल्टेंट है ना, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये, उस रिजल्टेंट का क्या है ये मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट निकाला था इसका लेंथ है, इसकी डायरेक्शन नहीं है इसमें, नो डायरेक्शन। तो क्या ये ए और बी सेम हुए, क्या ए एंड बी सेम? नहीं, ए एंड बी नॉट सेम, क्योंकि इस केस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताई जा रही है उस वेक्टर की, और इस केस में उस वेक्टर की सिर्फ क्या बताई जा रही है, लेंथ बताई जा रही है, डायरेक्शन नहीं बताई जा रही। सी देखो, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मतलब है ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ। तो आप देखो क्या ए बी सी में आपस में कोई समानता है? नहीं है ना। डी देखो, डी जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड मॉड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, इसका भी मतलब क्या है, ए की लेंथ, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए की लेंथ प्लस बी की
लेंथ। बेटा एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है, याद रखना इन बातों को आगे चल के, नहीं तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं इन बातों को देख के। फटाफट से नोट कर लो बेटा, तो सेम कौन सी आइडेंटिटीज आई, सी और डी, बोथ आर सेम। चलो फटाफट नोट करो। और देखो क्वेश्चन, आपको दिया जा रहा है एक यूनिट वेक्टर है P, दूसरा यूनिट वेक्टर है Q और इसकी वैल्यू आई 8/5। एक यूनिट वेक्टर P प्लस Q, इसकी वैल्यू आई 8/5। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड पानी, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो इसको हमेशा ऐसे पढ़ेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ यूनिट वेक्टर पी एंड क्यू, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर पी माइनस क्यू, ऐसे पढ़ेंगे बेटा इस चीज को, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। हाँ चल, तो ये अपने को गिवेन है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, मैं आपको थोड़ा उल्टा चल के दिखाता हूँ कि उल्टा चल के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अपने को ये पता करना है, देखो उल्टा चलते हैं, मतलब हम पहले अब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते रहे, पहले जो गिवन है उसको नोट करते थे, फिर ये देखते कि क्या पूछा है। एक बार उल्टा चल के देखते हैं, उससे भी प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले उसको देखते हैं और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारे कैसे काम आ सकता है। देखो क्या गिवन है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, उनका सब्ट्रैक्शन है वो पूछा गया है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, देखो बेटा क्या पूछा गया है, दोबारा सुनो, पूछा गया है दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ठीक है। और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, टू ए साइन थीटा बाई टू, टू ए साइन थीटा बाई टू। अच्छा तो रिजल्टेंट अपने को आर पता करना है, तो टू ए मतलब उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, अब इस केस में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वन साइन थीटा बाई टू। तो कसम माँ भवानी की अगर थीटे की वैल्यू पता चल जाती तो मैं हाल ही आंसर निकाल देता, तो खुद देख लो तुम, अगर थीटे की वैल्यू पता चला तो धार से क्वेश्चन नहीं निकाल, आंसर नहीं निकाल देते। तो ये अपने को पता करना है, यानी कि अपने को हमने और थोड़ा सा हम वो हो गए, कंसाइज हो गए, अपने को ये पता करना है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, देखो क्या वहां से ये थीटे की वैल्यू पता चल सकती है, आओ चलो देखें। ये बात बेटा मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, हमेशा क्वेश्चंस को, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स में, क्वेश्चंस को हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करो, एक पार्ट जो गिवन है और एक पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। अगर आपने ये दो चीज़ें सेग्रीगेट कर ली बेटा, तो फिर एक कंसेप्ट नाम का तड़का होता है जो उनके बीच में एक बैरियर बना दिया जाता है, उसमें क्या सॉल्व करने के लिए जो भी आपको चाहिए वो आप गिवन में से लेते चलोगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो आप चाहो तो पहले गिवन लिख सकते हो, चाहो पहले जो आपको ऑब्जेक्ट है जो फाइंड आउट करना है वो कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेटजी बेटा आप हमेशा रखा करो मेरे हिसाब से। तो अब आपको गिवन है इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 8/5, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जब मैं केवल रिजल्टेंट बोलूं तो इसका मतलब मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, अगर सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो मैं स्पेशली, मैं क्या सारी किताबें स्पेशली उस बात को बोलेंगी कि सब्ट्रैक्शन ले, है ना, और कहीं रिजल्टेंट ही लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे उसमें एडिशन हो रहा होगा। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वैक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट 8/5 है,
तो r इज इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट मींस 2a, देखो मेरे हाथ से फिर साइन लग गया ना, ऐसे 2a cos थीटा बाई 2, कितना दिया हुआ ये r 8/5 है ना। अब बात करते हैं a की, a मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और ये हमें क्या दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर्स, तो 2a की जगह हम लिखेंगे 1 cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 8/5 है ना। cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/5, यानी कि यहां से थीटे की वैल्यू पता तो चल सकती है यहां पे रखने के लिए, लेकिन यहां कुछ 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 अलग आ रहा है, यहां कुछ 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 क्या आ रहा है बेटा, अलग आ रहा है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, सर यहां पर 1 आता तो, रूट थ्री आता तो, रूट थ्री बाई टू आता तो, माइनस वन आता तो, लेकिन सर ये तो 4/5 आ गया। अब क्या करें सर, ऐसे केस में क्या करें सर, जब भी ऐसी कंडीशन आपको फंसे फटाफट से एकदम राजा बाबू बन के, देखो आप याद करो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसके लिए डिफाइंड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ओ हो येलो येलो येलो, एक एंगल को क्या मान लो थीटा बाई टू, तो cos थीटा बाई 2 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन सा हो गया 4, हाइपोटेनियस कैसे हो गया 5, क्या चाहिए sin थीटा बाई 2, तो sin थीटा बाई 2 पूछो इससे बड़ा पुड़ sin थीटा बाई 2, तो ये बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी, वो वाली निकाल लो, कैसे कैसे ऐसे ऐसे 25 माइनस 16 Yes, very good. 3. तो पर साइन थीटा बाई 2 यानी कि इसका साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका रिजल्टेंट आ गया बच्चों 6/5, आया मजा मेरा आ गया। देखो बच्चे यहां भी पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है, पढ़ रहे हैं बहुत जोर से पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ नोट करो फटाफट स्क्रीन पॉज करके, चल फटाफट अच्छी बच्ची उतरे नोट कर लो, आगे बढ़ते। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये भजन है बेटा, अभी मैं पूरा नहीं सुना रहा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं फिल्मी गाना गा रहा हूँ, ये आगे जब मैं गाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा ये एक भजन था, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना कि टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ाने तो भजन गाने गाते हैं, भजन गाते हैं भजन। अब बेटा ब्रज में रहेंगे तो भजन तो गाने पड़ेंगे, क्या करें हम तो ब्रजवासी ठहरे। चलो ये बच्चे बहुत नोटी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये टीचर का माइंड डाइवर्ट करते हैं। मैं एक साधना कर रहा हूँ, ऐसी साधना जो यहाँ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200-500 किलोमीटर दूर बैठ के बच्चों को दिव्य ज्ञान की ज्योति जला रहा हूँ उनके दिमाग में, और देखो ये बच्चे नोटी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देते बेटा, है ना। अपने को तो अपना काम करना है, अपने को अगला क्वेश्चन करना है। देखो क्या, अभी चलते हैं सर्कुलर मोशन में। एक बार हम सर्कुलर मोशन में कहाँ गए थे, 9th क्लास में, आ जाओ आज फिर सर्कुलर मोशन में चलते हैं। चलो चलो ले चलो सर्कुलर मोशन कराओ, घुमाओ, देखो ऐसे ऐसे, ये सर्कुलर मोशन है। हालांकि ये सर्किल प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन आप मान लो कि ये सर्किल है, एकदम बढ़िया बनाया हुआ है हमारे टीचर ने, मान लो इस बात को, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो अब क्वेश्चन ये है कि इस पर एक लड़का ये एक मैदान में ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऐसे करके, उसकी स्पीड है वी, उन भाई साहब की स्पीड कितनी है v, जब ये भैये थीटा डिग्री एंगल घूम गए
जब ये देखो यहां पर था तो इसकी वेलोसिटी यहां रही होगी, जब यहां आया होगा तो इसकी वेलोसिटी यहां होगी होगी, ठीक है, यहां भी होगी, यहां से यहां कितना एंगल घूम गया, थीटा डिग्री एंगल घूम गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो दो बातें इसमें आपसे, दो बातें पूछेगा, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी इसमें भाई साहब, बहुत ध्यान से सुन लेना, हंसी मजाक में मत टाल देना हर चीज को। हाँ हाँ यस, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, दो बातें आपसे पूछी जाएंगी, कौन कौन सी, पहले मैं लिखता हूं इसकी लैंग्वेज, ए नॉटी बॉय मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक आध तो सोच रहा होगा बोला कुछ था बाइक पे, अब तो बाइक पे ही नहीं है वो, लो लिख देता हूं बाई बाइक, बाई कॉन्स्टेंट स्पीड, बाई कॉन्स्टेंट स्पीड वी, बाई कॉन्स्टेंट स्पीड वी, इफ इट ट्रेवल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मान लो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां से यहां तक पहुंचने में, थीटा एंगल उसने कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू फिगर एज शोन, है ना, बढ़िया लैंग्वेज लिखा है ना, जब भी समझ में ना आई कि क्या लैंग्वेज लिखी जाए तुरंत क्या कर दो, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये चालाकी होती है बता रहा हूं तुम्हें, फ्रॉम ए टू बी फाइंड, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत बारीक संतर है दोनों बातों में, लेकिन दोनों एकदम उल्टी अलग बातें हैं बिल्कुल, है ना, क्या पूछेगा इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पहला फाइंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक बात तो ये पूछेगा, और बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही लैंग्वेज दूसरी क्या होती है जिसमें फर्क करना बहुत जरूरी होता है बेटा, जब और बड़ा आसान होता है, एक बार आपने फर्क कर लिया, फोकस कर लिया, तो आपके दिमाग में ताउन बैठ जाएगी जिंदगी भर। दूसरी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये दो अलग अलग बातें बेटा ध्यान रखना, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अब देखने में एकदम एक जैसी लग रही है ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, देखो फट से बोल दिया एक लाइन में, लेकिन अलग बातें हैं बिल्कुल। पहली बात का मतलब समझो, ये जो क्या पूछ रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसमें चेंज, ऐसे चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, अभी आगे डेल्टा पेल्टा ये क्या है अभी इसमें मत फंसो, आगे आएगा, अभी इसको मैं जो है नॉर्मली ऐसे ही समझो, अभी डेल्टा पेल्टा भी डिफरेंशिएशन बताऊंगा ना तब और में मजे आएगा उसमें, बहुत सच मजा पक्का, अभी नहीं करते अपन डेल्टा पेल्टा की बात, ठीक है, हरा उसके यहाँ से, जैसे ही डेल्टा लिया मैं तो बच्चे परेशान हो गए, सर ये डेल्टा क्या है, हाँ समझ ही नहीं आ रहा मेरे बच्चों को। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अब आप खुद सोचो जब कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, पहले बताओ इसकी वेलोसिटी सेम है कि इसकी वेलोसिटी सेम है या वेरिएबल है, ये बच्चा होशियार है, ये वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में कितनी चीज होती है, दो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो देखो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या शो कर रहा है, स्पीड, स्पीड से इसका क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड, तो हमसे क्या बोल रहा है बेटा, कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आप देखो चेंज किस में आ रहा है, डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हम ये बात बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड
प्लस डायरेक्शन, और स्पीड हो गया मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होगी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, बदल क्या रहा है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बदलने से क्या बदल रही है? वेलोसिटी। लेकिन स्पीड नहीं बदल रही, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, और स्पीड क्या है? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है? जीरो। यस, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है? जीरो। लेकिन अगर हम पूछें कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अब इसमें स्पीड नहीं है कहीं, गौर से देखो आप, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, चेंज को हम डेल्टा सी रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें ये जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो, v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अच्छा, तो दो वेक्टर्स का अपने को डिफरेंस निकालना है, ये क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से। तो हमें ये बात पता चल गई कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, यहां पे वेलोसिटी v फाइनल हो गई, यहां पर वेलोसिटी v इनिशियल हो गई, मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि अपन को क्या करना है बेटा, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का डिफरेंस लेना है। तो क्या आएगा, याद करो, 2v साइन थीटा बाई टू, क्योंकि v1 और v2 में कितना एंगल का डिफरेंस है? थीटा। पहले v1 ये था, अब ये थीटा ऐसे घूम गया, जो बात हमें कहां से इंफॉर्मेशन पता चली, यहां से ऐसे ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना बेटा, अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं इस पर एक एग्जांपल आपको करा देता हूं, नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। फटाफट इस चीज को नोट कर लो, गिर सावन मन ये आज लगी कैसी ये अगन, नस नस जाए मन। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे काइनेमेटिक्स में, आप ढेरों क्वेश्चन पढ़ोगे, इवन आप वेक्टर के साथ इतना खेलोगे अपने जीवन में, इतना खेलोगे अपने जीवन में कि आपको खुद को ही नहीं पता कि क्या कर डालोगे आप वेक्टर का, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको खुद को नहीं पता। देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको कराता हूँ बच्चों, क्या कराता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, देखो कैसा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है, एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है कि एक कार, फटाफट से, ए कार इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। ये सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज रिपीट होंगे बेटा, मैं तो सिर्फ वेक्टर सब्ट्रैक्शन के यूज करना बता रहा हूं, है ना, अभी इतने ज्यादा क्वेश्चन इतने आएंगे इस तरह के, लेकिन फ्री वेक्टर सब्ट्रैक्शन के यूज बता रहा हूं आपको, अभी काइनेमेटिक्स में भर के क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। ए कार इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट बाई स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बाई स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट टर्न्स टुवार्ड्स नॉर्थ, या कह सकते हैं बाई 90 डिग्री, है ना, इट टर्न्स टुवार्ड्स नॉर्थ, या कह सकते हैं बाई 90 डिग्री विद सेम स्पीड,
आगे हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस में कि भाई पहले 10 से थी, जब नॉर्थ में मूव कर गई तो फिर 20 हो गई, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, सब चीज आएंगे विद सेम स्पीड. देन फाइंड, तो अगर पूछेगा कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ कार, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, तो जीरो कर ही देंगे. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, अपने को तो इसको निकाल दिया ना, वो बात तो इसलिए बता दी थी इससे कंफ्यूज ना हो आगे. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो आप देखो सॉल्व करते हैं, इसका एक पिक्टोरियल डायग्राम बना लो. ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट. ये देखो, तो कार जा रही थी पहले कहां, ईस्ट में. वी इनिशियल क्या था, ईस्ट में, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर उसके बाद कार किस में मुड़ गई, नॉर्थ में. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड. देखो थोड़ा सा है ना, कंपोनेंट्स की फॉर्म में करना भी सिखा रहा हूँ उसको. अब आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे आप डेल्टा वी. डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जब कोई है ना, तो इसको लिखेंगे हम फाइनल वेलोसिटी. हमेशा ऐसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 10 जे कैप. इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 10 आई कैप. ठीक है, और ये हो गया आपका डेल्टा वी. इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी है ना. तो इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये देखो, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लिखोगे आप, कोफिशियंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जी कैप स्क्वायर. तो आपका आ जाएगा बेटा 100 प्लस 100, 200, 10 रूट 2. आ गया नहीं आ गया. इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स थे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 2v साइन थीटा बाई 2. अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पीड तो सेम ही रही, कितनी 10, तो लिखो इसको 2 × 10 साइन थीटा कितना हो गया, इनिशियल और फाइनल में, पहले ईस्ट में थी फिर नॉर्थ में, तो थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन 90/2, तो साइन 45. और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2. यह आपका कैंसिल हो गया रूट टू, आंसर आ गया 10√2. देखो सेम ही आया ना, सिंपल. चलो फटाफट से नोट करो उसको. तो ऐसे गोल गोल घूमने वाले में ना, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि एक लाइन है एल लेंथ की, ये थीटा एंगल घूम गया, ठीक है बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस तरह की चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तमाम क्वेश्चन दे रखे होंगे भी शीट में, आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट देखो बेटा, हालांकि आगे भी पढ़ाऊंगा लेकिन अब भी पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको आइडिया लगे. एक सर्किल है, इसका रेडियस आर है, एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन आर ए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन आर बी, फाइनल पोजीशन आर बी. ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया. ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका मैं इसमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही होगा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही होगा. और डिस्प्लेसमेंट को हम बेटा क्या लिखते हैं, एक चैप्टर आएगा भी रेस्ट एंड मोशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट को ढंग से समझेंगे. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम बेटा या अभी इतना याद कर लो कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर.
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और इस केस में अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल मान लो कितना है, थीटा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ये आर बी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ये आर ए। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे बताओ, क्या ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, वो किसके बराबर हैं, इसके रेडियस के बराबर सर्कल के। तो मैं यह क्या ही कह सकता हूँ, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का डिफरेंस है, बिल्कुल। तो उसको बड़े आसानी से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2r साइन थीटा बाई टू, 2r साइन थीटा बाई टू, ठीक है, 2r साइन थीटा बाई टू। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा बेटा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो आप आर ए, थोड़ा सा दिमाग अगर चला पाओ तो आर ए प्लस डी इक्वल्स टू आर बी, देखो डायग्राम को ढंग से, आर ए प्लस डी इक्वल्स टू आर बी, और डी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो आपको अगर इसमें से एडिशन वाले तीन वेक्टर दे रखे हैं आपको ऐसे करके, कोई भी किसी भी तरह से, देखो इसी डायग्राम में देखो आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं इस ट्राइंगल में अरेंज करके, अगर आपसे कहा जाए कि एडिशन बताओ कौन कौन, एडिशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और सब्ट्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो आप एडिशन कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए प्लस डी आर बी, ये एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर बी माइनस आर ए, आर बी और आर ए का सब्ट्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आर बी माइनस आर ए अगर आप करोगे तो आर बी प्लस माइनस आर ए ये होगा, ये आ जाएगा आर बी प्लस माइनस आर ए, समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी मैं वन डी में पढ़ाऊंगा इसको। देखो आर बी प्लस माइनस आर ए, आर ए इस तरफ था, आर बी में प्लस माइनस आर ए का मतलब, आर बी माइनस आर ए का मतलब क्या होता है, आर बी प्लस माइनस आर ए मतलब आर ए को उल्टा करके आर बी में जोड़ना, तो आर ए को उल्टा किया और आर बी में जोड़ दिया, तो यहाँ जोड़ेंगे आर बी में तो पहला वेक्टर आर बी है इसकी टेल से, ये हो गया आर बी माइनस आर ए, जो किसके बराबर है, डी के बराबर। ठीक है, चलो बच्चों ये हमारा ख़त्म होता है आज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर भी वेक्टर मिले तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बेटा, तो अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की खूब प्रैक्टिस करो, बढ़िया से मज़े करो। ठीक है, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो बेटा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।